हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई एम स्वाति राजपूत, योर एसएससी टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू सिविक्स क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, यानी कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों डिज़ायरेबल है, किसी भी गवर्नमेंट में हमें पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी है, वही हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, जिस तरह से हमने पावर शेयरिंग के बारे में जो दोनों तरह के तर्क पढ़े हैं, जो दोनों तरह के हमने रीज़न पढ़े हैं, फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यह है कि पावर को शेयरिंग करना ठीक है, क्योंकि इससे जितनी भी आपकी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब लोगों में, जब कम्युनिटी किन्हीं दो कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ टकराव हो जाते हैं, तो वो आगे जाकर वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंसा में बदल जाते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो जगह ले लेती है, यानी कि पॉलिटिक्स कहें एक तरह से, तो वहाँ पर पूरा हिल जाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर हम पावर शेयरिंग को देखें, तो पावर शेयरिंग जो पॉलिटिकल जितना भी सिस्टम है, उसके स्टेबिलिटी के लिए, उसके स्थायित्व के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि पावर को शेयर करके एक जो पॉलिटिकल ऑर्डर में जो चीज़ें चल सकती हैं वो बहुत अच्छे से चल सकती हैं। ओके, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. देखिए, जितने भी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके थ्रू अगर जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, उनकी इच्छा, मतलब जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी में लोगों पर अपनी अगर किन्हीं इच्छाओं को थोप रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बातें अच्छी लगती हैं कि हाँ, जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर रूल करेगी, पर अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पर देखें तो ये चीज़ें इतनी सक्सेस नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आगे चलकर जो हमारे नेशन की यूनिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well. देखिए student, कई बार majority के through जो minority के लोगों को oppress किया जाता है, उनका एक तरह से उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो कई बार ये minority के लिए ही, मतलब जो लोग संख्या में कम है उनके लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, कई बार ये majority में जो लोग हैं उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, उनकी भी बर्बादी का कारण कई बार ये बन सकता है। कहने का मीनिंग है कि अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर रूल कर रही है, या उनके ऊपर वो ऑप्रेसिव एक तरह से दमनकारी, मतलब उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसे जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको तो नुकसान होगा ही, कई बार ये मेजॉरिटी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ओके, there is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is a very sprite of democracy.
A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. देखिए यहाँ पर एक सेकंड रीज़न जो दिया गया है वो यह है कि डेमोक्रेसी को अच्छा कहा जा सकता है. क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्प्राइट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि पावर शेयरिंग को एक तरह से डेमोक्रेसी की आत्मा कहा जाता है कि अगर डेमोक्रेटिक कोई कंट्री है तो वहाँ पर पावर को शेयर करना ही करना है. ठीक है, तो इसलिए पावर शेयरिंग को एक तरह से हम डेमोक्रेसी की आत्मा के उससे भी जान सकते हैं. ठीक है, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. यानी कि डेमोक्रेसी का मीनिंग ही होता है कि जो लोग इस सिस्टम के अंडर में रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच पावर को डिवाइड किया जाए, उनके बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. ठीक है, पीपल हैव राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. तो लोगों के पास यहाँ पर ये राइट होना चाहिए और कि और वो ये डिस्कशन कर सके कि कैसे वो अपने बीच में पावर को शेयर करें और किस तरह से वो गवर्न करें, क्या किस तरह से वो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सत्ता है, उसको चलाएं. अ लेजिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. इट मीन्स हम किसी भी गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि एक वैध सरकार तभी कह सकते हैं जिसमें सभी जो लोग हैं, सभी जो उस कंट्री के जो पीपल हैं, वो उसमें अपना पार्टिसिपेशन दें. ठीक है, और अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू जो भी सिस्टम है वहाँ की गवर्नमेंट का, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना व्यू दें. ओके, नाउ लुक एट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड इज मोरल. देखिए अभी हमने जो भी दो रीज़न पढ़े कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, तो इसमें जो फर्स्ट रीज़न है उसको हम प्रूडेंशियल कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से युक्तिपरक. बच्चों प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है कि एक तरह से अपना प्रॉफिट और लॉस देखकर पूरा हिसाब लगा कर जो डिसीज़न लिया जाता है. ठीक है, तो वो एक प्रूडेंशियल रीज़न है इसका कि भैया हम सभी तरह की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट में, हमारी कंट्री में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हम सबको इक्वालिटी देंगे, सबको प्रॉपर राइट्स देंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेशन की यूनिटी के लिए अच्छा होगा और आगे हमें इसका बेनिफिट होगा. और जो सेकंड रीज़न है वो हमारा एक मोरल रीज़न है. ठीक है, व्हाइल प्रूडेंशियल रीज़न स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आवर बेटर आउटकम्स, मोरल रीज़न एम्फसिस ऑन द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल. देखिए जहाँ पर जो हमारा प्रूडेंशियल रीज़न है वो ये बताता है कि जितने भी एफर्ट्स किए जाएंगे वो हमें प्रॉफिट देंगे, यानी कि जितनी भी समझदारी के साथ में हम पावर को डिवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो हमारे लिए अच्छे होंगे. ठीक है, और दूसरी साइड जो हमारा मोरल जो रीज़न है, जो एक मोरल तर्क है हमारा, उससे पावर शेयरिंग का जो एक वैल्यूएबल पॉइंट है वो निकल कर आता है कि एक्चुअल में पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इस टॉपिक में हमने देखा कि क्यों पावर को शेयर करना ज़रूरी है, चाहे वो बात माइनॉरिटी की हो या मेजॉरिटी की हो. दोनों ही कम्युनिटी को साथ में लेकर चलने वाला जो नेशन है उसमें कभी किसी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है. और अगर हम इसका अपोजिट देखें जहाँ पर पावर को शेयर नहीं किया जाता है, किसी एक या दो लोगों के हाथ में सारी पावर होती है, तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ होती हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपनी गवर्नमेंट से, और कहीं ना कहीं वो बाद में उनका अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और इस तरह से नेशन में किसी भी तरह की सुख शांति या प्रोग्रेस नहीं हो सकती. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.